हेलो बच्चों, चलो ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन विल नॉट गिव सेम प्रोडक्ट इन। इसका मतलब हमें ये पता करना है, ये जितनी भी एल्कीन्स दी हुई हैं इनका हाइड्रोबोरेशन, एच बी ओ, ओ एम डी एम एंड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनमें कि हमारा सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, तो ये कौन से मैकेनिज्म से एडिशन करवाता है? ये एडिशन करवाता है एंटी मार्कोनिकॉफ से, राइट? ये एडिशन करवाता है एंटी मार्कोनिकॉफ से। वही अगर मैं बात करूं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की, ये कौन से मैकेनिज्म से जाता है? मार्कोनिकॉफ के मैकेनिज्म से, राइट? उसके बाद अगर मैं एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म की बात करूं, तो इसका भी एडिशन हमारा मार्कोनिकॉफ रूल से जाता है, राइट? अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है दैट एच प्लस विल बी एडेड टू द कार्बन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट? विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि एच प्लस will be added to the site which has lesser number of hydrogen, right? यही बात है। तो अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा सिचुएशन हो सकता है जिसमें कि मेरा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों का प्रोडक्ट सेम आए। अब ये देखो, अगर ये सपोज करो मैं ये वाली एल्किन ले लेती हूँ, अगर मैं इसमें H प्लस एंड ओ एच माइनस की एडिशन करवाऊं, तो मैं चाहे H इस साइड ऐड करूं और या तो चाहे मैं OH इस साइड ऐड करूं, मतलब या तो मैं OH इस साइड ऐड करूं या फिर मैं H इस साइड ऐड करूं, बात तो सेम ही है ना, मतलब प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा कि जिसी भी टाइप से, मतलब आप नेमिंग करो। देखो यहां से अगर आप नेमिंग करते हो तो ये फिर भी इथेनॉल आएगा, और इस साइड से भी आप नेमिंग करोगे तो क्या आएगा? इथेनॉल आएगा, राइट? आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर मेरी एल्किन जो है ये सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब वो चाहे मार्कोनिकॉफ से जाए या चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ से जाए, आंसर तो सेम ही आना है। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैं कोई अनसिमेट्रिकल एल्किन लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो अगर मैं मार्कोनिकॉफ से जाऊं, तो क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजन किस साइड ऐड होगा? जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा OH, राइट? ये प्रोडक्ट बनेगा मार्कोनिकॉफ से जाऊं। अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ से जाऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, यहाँ पे फिर आ जाएगा मेरे दो, यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या? OH। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2-propanol और यहाँ क्या बन रहा है? 1-propanol। इसका मतलब आंसर तो डिफरेंट आ रहा है। तो ये कौन से केस में हो रहा है? जब हम मेरी एल्किन सिमेट्रिकल नहीं है। ये देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है एल्किन? नहीं, इस साइड एक एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है? दो हाइड्रोजन ग्रुप है। इसका मतलब ये नॉन सिमेट्रिकल एल्किन है, राइट? तो अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे देखना है कि इसमें कौन सी सिमेट्रिकल है और कौन सी अनसिमेट्रिकल है। तो ये वाली जो एल्किन दिख रही है, ये तो मुझे सिमेट्रिकल दिख रही है। यहाँ देखो, यहाँ एक एल्काइल ग्रुप आ गया, यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप है नहीं, यहाँ सेम है। इसका मतलब ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये है सिमेट्रिकल एल्कीन, या अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्काइल अल्काइल ग्रुप है, तो ये हो गया मेरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक अल्काइल ग्रुप, मतलब ये हो गया मेरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो इसका मतलब सेम प्रोडक्ट किसमें नहीं आएगा? जिसमें हमारा अनसिमेट्रिकल होगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।